हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं टेकी बाइट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ एक पोर्ट्रोनिक्स का स्पीकर, जो कि मेरे हिसाब से कम पैसों में और मिड रेंज में आपके लिए सबसे अच्छा स्पीकर एक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये स्पीकर ब्लूटूथ भी है और आप इसे ऑक्स के द्वारा भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में मैं आपको आज इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसके रिव्यूज भी दूंगा और कितनी इसकी प्राइस लिस्ट है और कहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको करेंगे अनबॉक्स, साथ ही साथ इसके अंदर देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है। तो पीछे से इसका लुक कुछ इस तरीके का नज़र आता है और यहाँ पे हमें इसका स्पेसिफिकेशंस पूरी मिल जाती हैं। तो ये ब्लूटूथ वर्जन 4.2 है, आउटपुट ये 2x5W का देता है, SN रेशियो इसका 75 dB है और पावर आउटपुट DC 5V है, बैटरी कैपेसिटी 2500 mAh है और इसका वेट 930 grams है। तो चलिए हम उसकी अब सील ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम आप देख सकते हैं लग रहा है ओपन करने में, तो वेट करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है। इसके बाद हमें एक थर्माकोल टाइप का एक प्लास्टिक का कवर मिल जाता है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। बहुत ही इसकी अच्छी पैकिंग की गई है ताकि ये प्रूफ इसका रहे। और अब हम इसको निकालते हैं, अपना स्पीकर प्रोडोनिक्स का प्योर साउंड 3। तो ये हमें एक पॉलिथीन के अंदर रैप्ड मिल जाता है और इसके साथ हमें ये कुछ एसेसरीज मिल जाती हैं और बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो इस बॉक्स को रखते हैं हम साइड में और स्पीकर अपना देखते हैं। तो स्पीकर को हम अब इस पॉलिथीन से रिमूव करके आपको दिखाएंगे और इस पे आप देख सकते हैं इसका लोगो जो है बना हुआ है पोर्ट्रोनिक्स का, जो कि बहुत ही एक कूल लुक इसको देता है। और बाकी हम देखेंगे इसकी डिज़ाइन, एक बहुत ही कंप्लीट डिज़ाइन है। सामने आपको जाली जैसा एक देखने को मिल जाएगा और इसकी बहुत ही एक ओपेक डिज़ाइन है। और साइड की तरफ आपको चार बटन्स मिल जाती हैं, एक पावर बटन है और एक वॉल्यूम प्लस बटन है, फॉरवर्ड पॉज की एक बटन है और एक माइनस बटन है जिससे आप वॉइस लो कर सकते हैं। पीछे की साइड आप देखेंगे तो आपको एक ऑक्स का आउटपुट मिल जाता है और फिर मिलता है आपको एक USB का आउटपुट और एक आपको चार्जिंग का आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी थोड़ी ब्रांडिंग दी हुई है और बाकी नीचे की साइड अगर हम जाएँ तो इसमें पैड्स दिए हुए हैं ताकि आप इसको कम्प्लीटली अपने साथ रख पाएँ विद प्रूफ। और यहाँ पे मैं इसकी एसेसरीज जब उठाता हूँ तो इसमें आपको कुछ मैनुअल्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसमें एक ऑक्स की केबल निकलेगी और एक डेटा केबल निकलेगी और कुछ वारंटी कार्ड्स। तो ये वारंटी कार्ड्स है, इस वारंटी कार्ड का नंबर डाल के आप इसकी एक साल की वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको रखते हैं हम अब साइड में। तो और ये एक यूज़र मैनुअल है, आप देख सकते हैं 8 पन्नों की लगभग है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अब बात रही हमारी ये USB केबल की, तो ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अब। और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये नॉर्मल चार्जिंग केबल से बहुत ही ज़्यादा लंबी आपको मिल जाएगी और इससे आप अपना स्पीकर चार्ज कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने स्पीकर चार्ज कर लिया तो वो 7 घंटे तक आपको जो है टाइम दे देता है। और ये है एक ऑक्स केबल जिसके ज़रिए आप ब्लूटूथ के अलावा ऑक्स के ज़रिए भी आप मोबाइल या अपना PC कनेक्ट करके इससे चला सकते हैं।
तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। अब हम गाना टेस्ट करेंगे, तो हम फ़ोन से म्यूज़िक प्ले कर लेते हैं। तो अब मैं इसको फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए इसका साइड का पावर वाला बटन प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ब्लूटूथ वाले ऑप्शन को आप फ़ोन में इनेबल कर देंगे, तो आपको एक डिवाइस मिल जाएगी। और इस स्पीकर का नाम जो है प्योर साउंड प्रो 3 के नाम से ये ब्लूटूथ में दिया हुआ है। और आप अगर डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे इसको प्रेस करके डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको इसका एक आपको डेमो दूंगा और एक म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट सॉन्ग भी प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप नेक्स्ट सॉन्ग भी एक बार चेक कर लीजिए और उस पे भी इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक कर लीजिए। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो और कैसा लगा आपको हमारा ये स्पीकर? अगर आपको बाय करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको स्पीकर के बारे में या कोई भी जानकारी आपको पूछनी है या अपने रिव्यूज देने हैं तो आप जो है कमेंट में मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।